होप सभी लोग अच्छे से हैं। और आज है संडे और मैं हूँ मीरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा व्लॉग्स। और आज है संडे, मैं रह रही हूँ और ये संडे भी हमने लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी हम लॉकडाउन पालन कर रहे हैं, किधर भी नहीं जा रहे, मीन्स जाने का कुछ प्लान नहीं बनाया है थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में फिर हमारा जर्नी है। तो इसीलिए इस संडे हमने सोचे नहीं जाएंगे, किधर भी रूम पे ही कटाएंगे अच्छे से कुछ तो। और सुबह से मेरा सभी काम हो गया है, बहुत सारा काम था मेरी, और संडे तो पता ही है सभी को बहुत सारा काम रहता है और घर वर सब भी ओके करना होता है। और अभी जस्ट मैंने नहा के आई, अब तक मैंने टिफिन नहीं की, बट राहुल ने टिफिन कर लिया, मैंने पोहा बनाई थी आज। और अभी से मैं मेरी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ ऐसे ही कनेक्ट रहूँगी, आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो आज मैंने पूरा हद कर दी, ठीक है, हम दोनों ने उठे हैं 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे उठने के बाद अभी राहुल ने गए हैं 12 बजे, बाजार गए हैं, ठीक है, अभी क्या लाएंगे उनको ही पता है, बाद में हम खाना बनाएंगे और खाएंगे, तब तक मैंने पोहा खा लूँगी पूजा करके, और बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या बाजार से लेके आएंगे, मैं क्या बनाऊँगी। और इसीलिए अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जा उन्होंने गए, बाद में उन्होंने कपड़ा धोई, बाद में ये किया, नहाई, सब कुछ हो गया मेरी, तो पूजा और टिफिन भी कर लेती हूँ, तब तक आ जाएंगे शायद। चलिए चलो चलो चलो, बाजार से अभी क्या लेके आए हो, क्या क्या लेके आए हो, समाचार क्या है? हाँ, और एक बात बता दूं, आज होगा ना इसका चटनी, इसको हम बंगाली में बोलते हैं करवांगा। करवांगा? हाँ, क्या करवांगा? क्या करवांगा नहीं, करवांगा है, माफ से उतर दो। इसका मैंने चटनी बनाऊंगी, ये ना खट्टा होता है थोड़ा थोड़ा, मीन्स एक अच्छा है ना तो खट्टा रहेगा, पक्का होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, मैं इसका चटनी बनाऊंगी। और आपने क्या लेके आए? मैंने अभी जस्ट देखी थी, देखिए हमारे घर में अतिथि आए हैं, अभी बैठे हैं इधर, तो देखो बाबू इधर आओ, बाबूया अतिथि आए हैं आपका घर में, बैठे हैं, बुलाए अतिथि बाबू, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए अतिथि बाबू, गेट से आएगा, गेट से आएगा वो ऊपर, हाँ गेट से आएगा, देखो ना बैठे हैं, तब से बैठे हैं, आप बाहर गए थे तब से बैठे हैं, तो अतिथि सेवा तो बनता है ना, अतिथि अपायन बनते हैं, मेहमान का अपायन करना बनता है, तो क्या करेंगे अपायन में? फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स दे सकते हैं ना हम, फ्रूट्स निकाले, तो फ्रूट्स निकालती हूँ, तो जाके अतिथि सेवा करने के लिए, अतिथि अपायन, मेहमान का अपायन करने, फिश के बारे में उतना पता नहीं चलता है, पक्का पता नहीं चलता है कौन सा फिश दिखता है वो पता नहीं, हाँ। नन बेंगली पति है तो ऐसे ही हाला दादा है सभी का, हाँ। मछली समझ में नहीं आता है, मुझे जाने बोलते हैं बट मुझे बहुत सारा काम रहता है, मैं कैसे जाऊँ, बोलिए बाद में आने के बाद कंप्लेन है, ओके कुछ ब्लैक बना देंगे तो अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। और मेरे अतिथि ने अभी तक देखो अभी सो गए है, प्यार खा के सो रहे हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ना आंटी लोग देते हैं वो 4-5 आते हैं तो, बट ऐसे ना हमको कभी नहीं ही मिलता है ना हमारे सामने, क्योंकि हम मीन्स पूरा वीक बाहर रहते हैं, संडे को भी ऐसे मौका नहीं मिलता है, तो मैरिनेट फिश अच्छा है, अच्छा है वो फिश, रूही मछली है लेके आए उन्होंने,
क्योंकि रूई मछली मुझे कैसे पसंद आता है, मुझे पसंद क्यों नहीं समझ में आता है बोलती हूँ, उनका हेड थोड़ा ये होता है, छोटा होता है, और कातला पीस का जो होता है ना हेड बड़ा होता है, और इसीलिए ये हेड छोटा है, इसीलिए रूई समझ में आ गया। और अभी मैरिनेट कर लिया फिश मैंने, तो अभी मैंने सभी कट कर लूँगी और बाद में फिश फ्राई करके बाद में मैं आज बनाऊंगी, हाँ बोल देती हूँ, मैं आज बनाऊंगी सरसों फिश, ठीक है, सरसों रूगी बनाऊंगी मेरे तरीके से, जितना हो सके वो आप लोग भी सकते हैं। राहुल को एक कच्चा करवंगा जो है ना वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, नमक डाल दिया लगा लिया, तो अभी देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला उन्होंने कभी नहीं खाए हैं, मुझे ऐसे बोले हैं, तो अभी देखेंगे उनका उनका रिएक्शन। मैं नहीं खाऊंगी अभी, मैंने कुछ नहीं खाई, मैं अभी पोहा खाऊंगी, बाद में जाऊंगी खाना बनाने। ये है मेरी पोहा, यहाँ पे मैंने फिश फ्राई कर रही हूँ, मैंने जो सरसों में दूंगी वो डीप फ्राई नहीं करूँगी, बाकी सब डीप फ्राई कर लूँगी। मैंने फिश मैरिनेट करके रखी थी, मेरा फिश थोड़ा छोटा छोटा है, राहुल ने कट करके लेके आए हैं इसीलिए। और एक साइड में मैंने मसाला तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मैंने सरसों ली हूँ, तो मैंने इसमें लाइक ग्राइंडर में ही डाल दी हूँ पानी में भिगो के रखने के लिए। और इसके साथ मैंने ऐड करूँगी ग्रीन मिर्ची, ऐसे तोड़ के दे दूँगी, और दूँगी एक टमेटो, और एक साथ मैंने ग्राइंड कर लूँगी, तो सरसों का पेस्ट भी अच्छे से बन जाएगा। आप लोग देखिए ग्राइंड के बाद कितना अच्छा मुलायम सरसों का पेस्ट बन गया है, इससे मैंने ढक के रख दूँगी, फिर बनाते टाइम पे लगाऊंगी। अभी मैंने वही कढ़ाई में मछली फ्राई होने के बाद उसमें ही मैंने जीरा फोड़न दी हूँ, थोड़ा सा ऑयल निकाल ली हूँ, ज़्यादा हो जाता था, बाद में थोड़ा सा चिल्ली दी हूँ, दो ही चिल्ली, बाद में ऑनियन देके ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी नमक डाल के, थोड़ा सा इस कारी में जितना चाहिए नमक डाल के। देखिए ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गया है मेरी ऑयल में, बाद में मैं डाल रही हूँ टोमेटो, बाद में इसमें डालूंगी सभी मसाला लाइक नमक जितना चाहिए उतना, बाद में हल्दी डालूंगी, बाद में चिल्ली पाउडर डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी, चिल्ली पाउडर जितना जैसे खाते हैं वैसे डालेंगे। तो बाद में डाल रही हूँ मैं थोड़ा जीरा पाउडर, तो स्वाद के लिए डाल सकते हैं आप, नहीं भी डाल सकते, अवॉइड भी कर सकते हैं। और ऐसे अच्छे से मसाला बन गया, तो अभी मैंने जो सरसों का पेस्ट बना के रखी थी वो मैंने डाल दी हूँ, और डालूंगी मैंने जैसे कारी चाहिए आप लोगों को वैसे पानी, जैसे मैंने और थोड़ा पानी डाल रही हूँ, और उबालना भी चाहिए सरसों अच्छे से, सो इसीलिए बाद में उबालने के लिए रख दूँगी। और नहीं मैंने जा रही हूँ चटनी बनाने के लिए, जो ग्रीन कलर का जो फ्रूट्स था उसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर, ठीक है, हम बंगाली में करवंगा बोलते हैं उसको। तो अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ और जीरा फोड़न थोड़ा सा डाली हूँ और एक मिर्ची डालूँगी,
और बाद में वो सभी जो काट करके रखी थी वो डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद मैंने हल्दी डालूँगी थोड़ा सा, और बाद में पानी डाल दूँगी, नमक डालूँगी, और नमक तो डालना ही है, तो बाद में वाटर डाल दूँगी। वाटर डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। इसको बॉयल होने दीजिए। बाद में मेरा जो इधर का ये सरसों उबाल रहा था इसमें मैंने मछली डालनी हूँ। देखिए मछली को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं की हूँ, हल्का सा फ्राई की हूँ, क्योंकि कारी में डालते हैं तो हल्का सा ही फ्राई करते हैं, तो इसीलिए इसको बॉयल होने दीजिए। मैंने बना ली हूँ, अभी बॉयल हो रहा है, तब तक के लिए मैं क्या करूँगी बेटा, पीस लेके आ गई हाथ में। हाँ स्वाद कैसा है देख रही हूँ, वो उखाला अभी बचपन का याद आता है ना, जब मेरे दादी और मम्मी ने बनाते थे ना, वो छोटा छोटा मछली आता है ना, मुरली मछली, बाद में ये पूटी, तो मोराली, वो सभी मछली जो था ना वो फ्राई करते थे जब, तब ना हम केला पत्ता लेके आ जाते थे, दो मुझे, दो मुझे खाना है, ऐसे करके मुझे ना याद आ जाता है बहुत क्या। मैं खुद ही गई खाने के लिए। अच्छा रेडी, अभी एक घंटा बाद ये देखिए मेरा सरसों मस्त दिख रहा है ना, और ये है मेरी चटनी, दरभंगा चटनी। तो लंच रेडी, हम अभी लंच करेंगे क्योंकि 1:30 बज गया है ऑलरेडी, तो इसीलिए क्या बोल रहे मार पड़ेगा, खाना नहीं है ज्यादा ज्यादा बोलता है। तो गाइस आप लोग देख लिए सरसों को, रूही सरसों और सरसों फीस बोल सकते हैं, कैसे बनाते हैं इजी तरीके से, तो आप मीन्स लाइक नॉर्मली जो बनाते हैं वैसे ही, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसे लगा आप लोगों को, और हमारी जोड़ी को अच्छा लग रहा है, हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। और तो फिर मैं मेरी ब्लॉग इधर ही खत्म करूंगी, हम लंच करेंगे। आप लोग भी जो लोग लंच नहीं किए हैं वो लोग लंच कर लीजिए, और जो लोग कर लीजिए ऑलरेडी कर लिए वो लोग रेस्ट कीजिए, ठीक है। तो मेरी ब्लॉग्स मैं इधर ही खत्म करती हूँ। ओके टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। कितना लेजी है संडे में।